हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। बात चल रही है बच्चों 1000 रोज बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस और चैप्टर 5 चल रहा है, 4 चैप्टर हो चुके हैं, जलाना बुझाना स्पेशल चल रहा है, पार्ट 3 पे हम आ चुके हैं। उसने माचिस जलाई। देखिए एक्चुअली पहली बात, हम लोग माचिस की तीली जलाते हैं, माचिस नहीं जलाते हैं, लेकिन कहते हैं माचिस जलाओ। माचिस की तीली को कहते हैं मैच, MATCH, मैच स्टिक भी कह सकते हैं, खाली मैच भी कह सकते हैं, और मैच बॉक्स जो माचिस की डब्बी जिसमें मैच स्टिक्स रखी होती हैं। तो जलाने के लिए स्ट्राइक शब्द, स्ट्राइक का मतलब प्रहार करना भी होता है और स्ट्राइक का एक मतलब हड़ताल भी होता है। स्ट्राइक क्योंकि ऐसे हम मारते हैं उस पर, तो इसीलिए स्ट्राइक शब्द यूज करते हैं अंग्रेज। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, इसके तीनों फॉर्म है। उसने माचिस जलाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बच्चों, ही स्ट्रक अ मैच, ही स्ट्रक अ मैच। उसने माचिस बुझा दी, जो भी चीज फूंक कर बुझाई जाए उसमें ब्लो आउट लगेगा, ब्लो आउट। तो क्या कहेंगे, ही ब्लू आउट द मैच, या ब्लू आउट के बीच में आप द मैच लगा सकते हैं, ही ब्लू द मैच आउट। जैसा कि मैं बताता आ रहा हूं, दो शब्दों की फ्रीजल वर्ब है, आप ऑब्जेक्ट को बीच में डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, उसने उसने जलती हुई तीली कारपेट पर फेंक दी और कारपेट जल गया। कई बार लोग होते हैं लापरवाह होते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, कैसे बनेगा, ही थ्रू, थ्रो, THROW, थ्रो माने फेंक देना, तीनों फॉर्म होते हैं, थ्रो, थ्रू, थ्रोल। तो सेकंड फॉर्म लगा, ही थ्रू द बर्निंग मैच, इसको ध्यान दीजिएगा, जलती हुई तीली जिसमें आग थी, बर्निंग मैच, ही थ्रू द बर्निंग मैच ऑन द कारपेट, कारपेट पर, एंड द कारपेट बर्न्ड, BURN, बर्न माने जलाना, बर्न माने जलना, और बर्न का एक मतलब ये भी होता है जैसे कपड़े आदि पर कोई जलती हुई चीज गिर जाए जो छेद हो जाता है, उसके लिए भी बर्न यूज होता है। एंड द कारपेट बर्न्ड का मतलब यहां पे है कि कारपेट में उस जगह पर थोड़ा सा होल हो गया, ये यहां पे भाव आ रहा है। पूरा वाक्य देखिए, ही थ्रू द बर्निंग मैच ऑन द कारपेट एंड द कारपेट बर्न्ड, पास्ट इंडेफिनिट दोनों भागों में। वो मेरे कमरे पर कभी भी सिगरेट नहीं जलाता है, ये पास्ट परसेंट इंडेफिनिट टेंस है, नेवर का केस है, ही नेवर। सिगरेट जलाने के लिए भी लाइट शब्द का इस्तेमाल होता है, जो आग जलाने के लिए, मोमबत्ती जलाने के लिए होता है, उसी का प्रयोग यहां पे भी होता है। लाइट अप का मतलब भी सिगरेट जलाना, खाली लाइट का मतलब भी सिगरेट जलाना, तीनों फॉर्म, लाइट लिट, लिट, LIT, लिट, 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 लाइट लिट, लिट। तो वो मेरे कमरे पर कभी भी सिगरेट नहीं जलाता है, ही नेवर लाइट्स अप, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एस लगा हुआ है क्योंकि ही एक वचन है, ही नेवर लाइट्स अप अ सिगरेट। सिगरेट की स्पेलिंग पे विशेष ध्यान देना, CIGARETEE, सिगरेट, ही नेवर लाइट्स अप अ सिगरेट इन माई रूम। या केवल आप लाइट्स भी लगा सकते हैं, लाइट्स अप की जगह अगर आप लाइट्स कह देते हैं वो भी सही है, ही नेवर लाइट्स अ सिगरेट इन माई रूम। आगे बढ़ने से पहले जानकारी देना चाहूंगा, यदि आप में से मेरे कोई भी भाई और बहन मुझसे डायरेक्ट पढ़ना चाहें, आप फोन के माध्यम से मुझसे 1-to-1 व्यक्तिगत ट्यूशन ले सकते हैं, अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, ग्रामर पढ़ सकते हैं, इंटरव्यू की ट्रेनिंग ले सकते हैं। 30 डेज का पैकेज होता है, मैं आधा घंटा रोज पढ़ाता हूं, उस समय उसी व्यक्ति को पढ़ाऊंगा, स्पष्ट कर दूं, और इसके कुछ चार्जेस होते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9335077458, 9335077458। आप अपना नाम लिखिएगा, अपना प्लेस लिखिएगा और ट्यूशन लिखिएगा, बाकी जानकारी मैं आपको दूंगा, बिल्कुल आपको लगेगा कि मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या आप अपनी सिगरेट बुझा देंगे? मान लीजिए कोई व्यक्ति सिगरेट पीता हुआ आया और एक एक मैनर्स होते हैं, आप कह रहे भैया सिगरेट बुझा दो, तो कहने का ढंग होता है क्या आप अपनी सिगरेट बुझा देंगे। वुड यू माइंड, ये पैटर्न है बच्चों, पैटर्न, वुड यू माइंड
पुटिंग आउट योर सिगरेट प्लीज, पुट आउट मैंने बुझा देना, वुड यू माइंड पुटिंग आउट योर सिगरेट प्लीज, या वुड यू माइंड पुटिंग योर सिगरेट आउट, मैंने ऑब्जेक्ट को बीच में डाल दिया है, वुड यू माइंड पुटिंग योर सिगरेट आउट प्लीज, दोनों सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। पापा को देखकर उसने सिगरेट बुझा दी, भाई साहब डर गए, सिगरेट बहुत बुरी चीज है बच्चों मत पीना है, सिगरेट खराब चीज होती है बहुत। पापा को देखकर उसने सिगरेट बुझा दी, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ही पुट आउट हिज सिगरेट, पुट आउट की दो फॉर्म एक ही होते हैं, ही पुट आउट हिज सिगरेट, सीइंग हिज फादर, सीइंग मतलब देखकर अपने पापा को, ठीक है, ये वाक्य पे ध्यान दीजिएगा, कुछ उपद्रवी तत्वों ने बस को आग लगा दी। कभी कभी प्रोटेस्ट आदि जो होता है उग्र हो जाता है, लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट करते हैं, बहुत ही निंदनीय है, खराब बात है, लेकिन ऐसा हो सकता है। देखो ये शब्द समझो, सम मिस्क्रिएंट्स, MISCREANTS, मिस्क्रिएंट्स का मतलब होता है उपद्रवी तत्व, सम मिस्क्रिएंट्स सेट द बस ऑन फायर, सम मिस्क्रिएंट्स सेट द बस ऑन फायर का मतलब हो गया, ये जो फ्रेज है सेट द बस ऑन फायर, ये ऑब्जेक्ट है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं सम मिस्क्रिएंट्स सेट द बस ऑन अ ब्लेज, ABLAZE, एग्जाम वगैरह में इस तरह की सेंटेंस काफी आप पाएंगे, ओके, दोनों सही है। कुछ लोग आग बुझाने के लिए दौड़े, सम पर्संस रश्ड, RUSH, रश्ड मतलब जल्दी से लपकना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सम पर्सन रश्ड टू डाउस द फायर, DOUSE, बुझाना, टू डाउस द फायर, वह फूंक कर मोमबत्ती की लौ यानी ज्वाला को बुझाने की कोशिश कर रहा था, फूंक कर वो कोशिश कर रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ही वॉज ट्राइंग टू डाउस द कैंडल्स फ्लेम, यानी कि कैंडल की फ्लेम को बुझाने की, बाई ब्लोइंग ऑन इट, ब्लो यानी कि इस पर फूंक मारकर, बाई ब्लोइंग ऑन इट, ब्लो, ठीक है। लास्ट वाक्य है इस वीडियो का, आग पूरी तरह बुझी नहीं थी, पास्ट परफेक्ट टेंस है, द फायर हैड नॉट गॉन आउट, गो आउट मैंने बुझ जाना, थर्ड फॉर्म गॉन आउट, द फायर हैड नॉट गॉन आउट completely। तो बच्चों देखा आपने किस प्रकार से मैं प्रयास कर रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग की इंग्लिश मजबूत होती जा रही होगी। गुरु दक्षिणा जरूर दीजा कीजिए, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे प्लीज प्लीज इसको लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।